जितना हमको टॉर्चर मिला, मेरा हस्बैंड लंगा करके मारता था, जारा में बाहर अपने अंदर सीट के लिए लगा के सो जाता था, हमको बाहर ऐसे रात भर बाहर ठंडा में रहते थे, इतना हम टॉर्चर सहे हैं, लेकिन फिर भी अपना बच्चा के लिए जी रहे हैं। अभी अभी मेरा ये सब चीज मेरा हस्बैंड देखेगा ना तो मेरे पे उंगली उठाएगा, वो अलग बवाल करेगा कि तू मेरा ये सब चीज बोली कैसे, और मेरा दुश्मन खुद खड़ा हो जाएगा। लेकिन दुश्मन खड़ा तो कहीं के पेट में बच्चा ले लेके जाते थे, खूब रोते थे, प्यार किए तो अपना पति से ही थे, बाल इतना जान ले बाकी और किसी से नहीं, प्यार हुआ था हमें अपना हस्बैंड से प्यार किए थे, अभी प्यार करते हैं, लेकिन वो दूसरा शादी कर लिया ना, इसी वजह से हम मजबूर हैं अपने कमा के अपना बच्चा पाले ना। जब लड़की एक निकलती है ना तो बहुत मजबूर होती है, नाचने के लिए मेरे शौक नहीं है, सब लोग ये उतारने की सोचते हैं, नाचने का शौक नहीं है सर, मजबूरी में नाचते हैं, मजबूरी में शूटिंग करते, हमको शौक नहीं है। अगर बाबा किसी से शादी करा देंगे, हाथ धरा देंगे ना तो हम हाथ धर लेंगे, लेकिन मेरा बच्चा मेरा कमेंट डाल रहे हैं, इसको लड़कियां दे रही है, जो तुम लोग क्या जानती हो इसके बारे में, मैं देखती हूँ हकीकत जानता, वो कह रही है कि रेनू तुम सुधार जाओ, क्या सुधरे, मतलब हम लड़का से प्यार करके घिना जाते तो तुमको अच्छा लगता ना, इसीलिए तुम ऐसे कर रही हो ना, बन तुमको मेरे से क्या दुश्मनी है, तुमको साथ क्या गद्दारी की है, औरत मर चुकी है हम लोगों के अंदर की, हम लोग काम करते हैं अपने परिवार के लिए, मर चुकी है औरत, औरत वाली फीलिंग नहीं है, सिर्फ पैसा कमाने आए करते हैं और गलत नहीं कर सकते, दो मिनट के सुख के लिए, मर्द के सुख के लिए हम अपना जिस्म उगाड़ देंगे, वो कहाँ का सही है। जो चेहरे पर मुस्कुराती है लेकिन उसके पीछे की संघर्ष क्या होता है बिना कोई जाने, तरह तरह के भद्दे भद्दे कमेंट आते हैं। मेरे साथ अभी रेनू जी है, अगर इनके पीछे की अगर सच्चाई जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे साथ अभी हम बात करने जा रहे हैं, आप बहुत रो रही हैं, आखिर बात क्या है? बात मेरा ये है कि मेरा एक लड़की आधार कार्ड वायरल किया है, फोटो वायरल किया है, मेरे बच्चे के साथ स्टेज प्रोग्राम किए थे, करते हैं बहुत कम करते हैं, क्योंकि हम शादीशुदा हैं, बाल बच्चा वाला है, लेकिन शादीशुदा हो कि मेरा हस्बैंड साथ में नहीं है, वो दूसरा शादी कर चुका है 5-6 साल पहले ही। आपका शादी कब हुआ था? शादी मेरा बचपन में हुआ था, 12-13 साल के थे ना तो वही घड़ी हो गया था, फ्री में शादी हुआ था, झूठ क्यों बोलेंगे कि माए बाप हमको इतना दहेज दे के शादी की, क्योंकि गरीब घर के लड़की थे, तो कोई लड़का बताया कि फलनामा है जो पैसा तिलक नहीं लेगा तो कर दीजिए, तो कर मेरे मम्मी पापा कर दिए, तो करने के बाद छुपा के शादी हुआ, फिर उसके बाद सच्चाई हम जाने, फिर भी उसको सुधारने के लिए मौका दिए हम कि अब सुधरे अब सुधरे। आपको पता है सर, जब हम जेल में जानते हैं मेरा भर भर पेट बच्चा होने के लिए रहता था ना, तो हम जेल में उनसे मिलने के लिए जाते थे, छोड़वाते थे सर, इतना तक करते थे, मेहनत करके पाइप पीस पे ढो के अपना हस्बैंड को छोड़ाते थे, एक बच्चे नहीं पाले अपना हस्बैंड के भी छोड़ाए थे, नौकरानी बन के किसी के पास थाली धो के किसी के पास बर्तन मैस के हॉस्पिटल में काम करके अपना हस्बैंड को छोड़ाते थे, अपना बच्चा भी पालते थे, इतना तक कष्ट किए। मेरी मम्मी जहाँ रहते थे ससुराल में ना अलग, मेरा सास ससुर जानते मेरा हस्बैंड नहीं कमाते थे तो मेरा सास ससुर भी अलग कर दिया था, इतना कष्ट किए। जब हम सास ससुर के पास जाते थे ना तो कहता ए जो 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 ये कुछ करे ले, जो 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 ऐसे करके हमको ससुर भगा देते थे। मेरा हस्बैंड जेल में पकड़ाता है ना तो कहते हैं ना कि मम्मी रख लेना पाइप वाला में काम करते हुआ ना तो कमा के दे हुआ, कम से कम लइकमन के उम्र देखो ना, इतनी को बाल बच्चा 2 साल के था, 1-2 साल के, तो कहते था तू लोग खाइबो तो करे हुआ, तो ऐसे करके हमको सास बोलते थे नहीं रखे हुआ हमको, बच्चा को छोड़ के 8-8 घंटा ड्यूटी हम करते थे कंपनी में, पाइप वाला है कलकत्ता पाइप है कुम्हरार में, उसमें करते थे, 4,000 के महीना देता था, बचवा जानते हैं छोटा था ना तो गिर जाता था, ये फोड़ लेता था। मेरा बच्चा माँ बाप के प्यार नहीं जाना है, अपना बच्चा के लिए कुछ भी कर रहे हैं, अपना बच्चा के लिए कर रहे हैं।
बस हम इतना जानते, हम नाचते भी है तो अपने बच्चा के लिए, बच्चा के हम हर चीज पूरा करते हैं, हम अपना जिद पूरा करें या ना करें लेकिन बच्चा का हम हर चीज जिद पूरा करते हैं, मेहनत करके कभी धंधा नहीं किए। और धंधा करने वाली जो होता है ना वो भी मजबूरी में बेचारी करती है, क्योंकि बिहार में तो कुछ है नहीं, लुधियाना में गए ना सब तो डेग डेग कंपनी था, तो हम सोचे कि लुधियाने में शिफ्ट हो जाते हैं, फिर सोचे ना कि बच्चे का हमको पढ़ाना है, यहाँ पे हॉस्टल में रख के पढ़ा रहे हैं, मेरा पढ़ाई फिर बच्चा का चौपट हो जाएगा, ये चीज के सोच के नहीं गए। बाबा से मिलने के लिए बोलते थे, पर्सनल बातें करने के लिए, यही चीज के लिए कि गुरुजी आपका फैन फॉलोअर इतना है, गुरुजी एक कंपनी बिहार में खुलवा दीजिए। जानते हैं एक गया में गए थे शूटिंग करने ना, तो एक बूढ़ा था वो रिक्शा चला रहा था, एक हाथ उसको यहाँ से कटा हुआ था सर, एक हाथ से रिक्शा चला रहा था, और दो एक मियाँ बीवी को बैठेले था, उसको देखना था वो रोना आ गया था कि क्या जिंदगी है, अगर बिहार में कंपनी रहता तो आज वो लड़का रिक्शा नहीं चलाता। इसलिए हम बिहार की कंपनी के लिए हम सोचे थे कि गुरुजी ऐसे हमसे नहीं मिलेंगे तो टाइटू बनवाते, कहानी टाइटू के माध्यम से मिलेंगे हमसे। शुरू बार भी हमारे इंटरव्यू देखिएगा ना, जो पब्लिक रडार पर दिए हैं तो कंपनी के बारे में बोले थे, लेकिन लोग हमको इतना गलत बना रहे हैं सर। गरीब घर के लड़की जनते, आप लोग पाकिस्तान वाली भौजी है, उसको फिल्म में काम मिल गया, उसको हर चीज में काम मिल गया, लेकिन एक गरीब की लड़की, बिहार की लड़की जब आगे उठता है ना तो उसको पैर खींच देता है, तो लोग हमको पैर खींच रहा है कि रे तुम इंटरव्यू छोड़ दो अपना बच्चा के लिए। मेरा बच्चा तड़पता है सर कि मम्मी के प्यार के लिए आता है ना तो लटपटाल रहता है मेरा बच्चा, लगता है ना कि नहीं छोड़ते हैं सब, भाई बहन की तरह लगते हैं छोटे छोटे, मेरा हर चीज है, मेरा बच्चा है, बस मेरा भतार भी मेरा बच्चा है, इतना जान लो। जब मेरा बच्चा सियाना होगा ना तब हमको गर्व होगा कि हम अपना क्या मेहनत करके अपना बच्चा कितना बड़ा कर दी है, बच्चे में मेरा बहुत संस्कार है। अगर कहिएगा तो इंटरव्यू में अपना बच्चा खिला देंगे। अभी नवोदय के नाम, नवोदय में अभी गया है मेरा बेटा, 3500 रुपया दे के नवोदय में उसको नाम लिखवा के आया है। हॉस्टल में हमेशा हर महीने 20,000 रुपया जमा करते हैं, हम कमा के मेहनत कर करके हम हर कुछ के 4-5 साल 5-6 साल हुआ इस लाइन में आया, 5-6 साल से अपना बच्चा के तनियों से हॉस्टल में रखे हुए है, तरफ तो मम्मी कब बुलाओगी, मम्मी कब बुलाओगी, लेकिन हम कहते बेटा अब बुलाएंगे, नहीं बुला पाते हैं क्योंकि कमाने जाते हैं तो कहाँ बच्चा के लेके जाएंगे, अगर अकेले छोड़ के जाएंगे तो खाना कैसे बनाएगा, इसी वजह से हम नहीं बच्चा के रखते हॉस्टल में रखे हुए। मेरा जिद है मेरा बेटा IPS बनाने का, चाहे IPS बनाने के लिए जो करना पड़ेगा वो करेंगे। तुम लोग कितना गंदा गंदा कमेंट करेगा ना तो करते रहो, लेकिन हाँ हम नाचेंगे अपना बच्चों के लिए सर। जानते हैं मरने के लिए गए थे गंगा जी में, सोचा ना कि ऊपर से कूद जाएंगे सर, वहाँ जाके हम बच के चलाए कि मेरा बच्चा, वहाँ जब कूदने के लिए सोचे ना सर तो मेरा बच्चा का मुंह ही याद आ गया कि जब हम जितना जिंदगी है तो मेरा बच्चा का कोई कर नहीं रहा है, अगर मर जाएंगे तो कौन करेगा, वही चोर बदमाश भिखारी बन जाएगा, इसीलिए अपना बच्चा के लिए जिए। मेरा बच्चा नहीं रहता ना तो कब भी हम जान दे देते, इतना हम टॉर्चर सह सके हैं। देखिए सर, सच की लड़ाई में सच हमेशा अकेला होता है, झूठों की फौज होती है, तो इसलिए मैं इसके साथ खड़ी हूँ। 1% भी ये गलत होती तो मैं नहीं साथ देती, इसका दर्द मैंने देखा है। एक्टिंग नहीं आती थी तो डंडे से पिटाती थी मेरे सामने, मैं पकड़ लेती थी कि हटिए भाई हाथ। मैंने इसकी बॉडी में तेल लगा, गोइया तक इसके पीठ पे फूका, मैंने तेल लगाया है। जितना हमको टॉर्चर मिला, मेरा हस्बैंड लंगा करके मारता था, जारा में बाहर अपने अंदर सीट के लिए लगा के सो जाता था, हमको बाहर ऐसे रात भर बाहर ठंडा में रहते थे, इतना हम टॉर्चर सहे हैं, लेकिन फिर भी अपना बच्चा के लिए जी रहे हैं। अभी मेरा ये सब चीज मेरा हस्बैंड देखेगा ना तो मेरे पे उंगली उठाएगा, वो अलग बवाल करेगा कि तुम मेरा ये सब चीज बोली कैसे, और मेरा दुश्मन खुद खड़ा हो जाएगा, लेकिन दुश्मन खड़ा तू करवा दी ना बहन, बहुत अच्छा की हो, ठीक ना। लोग बोलता है कि ना कि चोर के बेटा चोरे निकलेगा, इसी वजह से जिद से हम उसको पढ़ा रहे थे कि पढ़ाएंगे, नाच के पढ़ाए जाएगा। बहुत बच्चों में बहुत संस्कार है और पढ़ने में भी तेज है, मैं खुद आते हैं बच्चे तो मैं मेरा बच्चा पढ़ने में तेज है, हम उसको पढ़ाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन मेरा हस्बैंड अब दुश्मन खड़ा हो जाएगा। तुम लोग भी यूपी से मैसेज आ रहे हैं कि ऑर्केस्ट्रा वाली के साथ दे रही है, हमने क्यों
क्यों ना दे, सही है ना? ओ मैं सर कभी कभी जाते हैं, कभी कभी जाती है, बाकी तो शूटिंग ही करते हैं। पारम में जानते हैं छुट्टी रहता है मेरा बच्चा की, तो मेरा बच्चा मेरा गोद में है तो क्यों छोड़ के जाएंगे। तो पारम में मेरा बच्चा मेरे साथ रहता है, फिर लगन उगन आता है तो जानते हैं ना गर्मी का छुट्टी मिल जाता है, फिर जाड़े का छुट्टी मिल जाता है, तो हम अपना बच्चा के साथ रहते, बहुत कम ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम करते हैं, ओ में सिंगर लोग के साथ में करते हैं। आप सिंगर उसको साथ शूटिंग कर रहे हैं, रेणु जी मेरे लड़की धोखा दे दिया, चलिए ना तो चल जाते हैं। भाई हमको कमाना, गलत नहीं ना कर रहे, मेहनत करना एक कला है। मुझे नहीं आती डांस, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, नृत्य एक कला है। नाम किसने दिया है? ये धरती के लोगों ने इसको गलत दिया है, ये गलत कभी नहीं की है। मैं 6 साल से साथ में हूँ, बहुत सारी लड़कियां हैं, मैं किसी से बात नहीं करती हूँ इस लाइन की, इसी से बात करती हूँ। शूटिंग हम लोग करते हैं साथ में, सास का रोल लोग हमको नहीं भी जा रहा है ना सर, वो भी हमको उंगली कर रहा है। ये कहने पर लड़की की उंगली करके क्या तुमको मिलेगा बहन? पहले ये बता, 12 साल की उम्र में इनकी शादी कर दिया जाता है, लगभग 1 या 2 साल के बाद जो बचा हुआ होगा, 14-15 साल। आप समझ सकते हैं कि 12 साल की उम्र क्या रहा होगा जिस महिला के साथ, और फिर 2 साल के बाद बच्चे होते हैं तो संघर्ष कितना। उसके बाद पति का प्रेशर, पति की पिटाई, घर का ताना, उसके बाद इनके पति छोड़ देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी स्थिति उस समय कहाँ रही होगी। अगर ये बात सोते हैं तो अभी भी मेरे रूह कांप उठते होंगे कि महज 15 साल की लड़की जो अपने बच्चे के साथ कैसी परवरिश करती होगी, आप देख सकते हैं। और उसके बाद जब बहुत सारे लोग आते हैं और गंदे कमेंट कर देते हैं, इजीली कमेंट कर देते हैं कि रेणु ऐसी है, रेणु ऐसी है, लेकिन उसके पीछे जो हस्ती है, उसके पीछे का दर्द सुनिएगा तो आप रो उठेंगे। ये है इनकी कहानी। और अभी इनका अभी परिवार जो इनके बच्चे हैं उनके साथ सुना जा रहा है कि और फोटो वायरल किया जा रहा है, लेकिन ये अपने बच्चे को छोड़े नहीं है, बच्चे के लिए ही मेहनत कर रही है, परिवरिश कर रही है। ये है इनकी कहानी। वैसे लोग क्या और क्या कहना चाहेंगे वैसे लोग? मेरा दुश्मन अब मेरा हस्बैंड खड़ा हो जाएगा, बहुत कमजोर। पूरा पब्लिक आपके साथ है, मेरा हस्बैंड, पूरा जनता आपके साथ है, कहेगा तुम मेरे साथ चाय क्यों? अरे छोड़ो ना, किया है, करो, किया है ना। अगर तुम्हारे पति, अगर पति दूसरे शादी कर लिया, बच्चे लिए, आपसे आप तो रिश्ता टूट गया, आपसे आप कौन चीज जो बोले ना कि वो जेल गए, ये दुश्मन खड़ा हो जाएगा। होगा तो होगा भाई, तूने अगर नहीं किया है तो मुंह बंद करके रह, उंगली मत उठाना। हम शादी नहीं किए हैं, आप क्यों कर लिए? हम अभी भी सोचते हैं कि मेरा हस्बैंड ऐसा नहीं, तो लाओ सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब जब शादी करिए लिए हैं तो हम क्या है आपको कर सकते हैं? उनको पता है कि हम कितना कष्ट करके उनको छोड़वाते थे, 9-9 महीने के पेट में बच्चा ले लेके जाते थे, खूब रोते थे, प्यार किए तो अपना पति से ही थे बहन, इतना जान ले, बाकी और किसी से नहीं प्यार हुआ था, हमें अपना हस्बैंड से प्यार किए थे, अभी प्यार करते हैं, लेकिन वो दूसरा शादी कर लिए ना, इसी वजह से हम मजबूर हैं अपने कमा के अपना बच्चा पाले। मेरा यार, मेरा प्यार, मेरा हर चीज, मेरा बच्चा है, नहीं बात करती है, हर चीज मोबाइल में बाबा का सिर्फ देखती रहती है, मैं रहती हूँ, लेकिन बात करना है भाई। कोई बात करेगा तो गंदी बात करेगा, रिकॉर्ड करेगा, वायरल करेगा, फालतू का कौन टेंशन झेलेगा ये सब? अब ये ढंग का लड़का ढूंढ, बाबा के शरण में जाके ढंग के लड़के से शादी कर, जो बच्चे को कौन है जो दो बच्चों की माँ को एक्सेप्ट करेगा, छुएगा छोड़ देगा, सीधी सी बात है। इसलिए बाबा के शरण में जाना चाहते थे कि बाबे से खुद बोलेंगे कि आपसे संस्कार लड़का जुड़ता है, आप हमको हाथ किसी से धरा दीजिए तो धर लेंगे, क्योंकि हम भी शादीशुदा हैं। एक जैसे नहीं होता है कि शादीशुदा लड़का होते थे, एक आदमी बाल बच्चा रहता तो उसका औरत डेट टूट कर जाता, उस हिसाब से लड़का से हम सोचे थे कि शादी करें, क्योंकि मेरा बच्चा मेरे लिए बड़ी तड़पता है। अगर हम शादी किसी से कर लेंगे ना तो मेरा बच्चा मेरे पास रहेगा, उसको बनाएंगे, खिलाएंगे, घर में अपना काम करेंगे, जो घर का औरत का फर्ज है वो निभाना चाहते हैं। जब लड़की एक निकलती है ना तो बहुत मजबूर होती है, नाचने के लिए मेरे शौक नहीं है, सब लोग ये उतारने की सोचते हैं, नाचने का शौक नहीं है सर, मजबूरी में नाचते हैं, मजबूरी में शूटिंग करते हैं, हमको शौक नहीं है। अगर बाबा किसी से शादी करा देंगे, हाथ धरा देंगे ना तो हम हाथ धर लेंगे, लेकिन मेरा बच्चा मेरे पास रहेगा, अपना बच्चा के IPS बनाना चाहते हैं, अब हमको जिद हो गया है सर, IPS बनाएंगे। मेरा भार तो वैसा ही है ना, जब वही
अपनी बहन बहन लगती है, लेकिन दूसरी की बहन, दूसरी की बीवी उसको गंदी नजर से देखते हैं। ये है मेरा भारत हो गया है। तो आज हमको गंदा बना रहा है, जैसे अंगूर नहीं मेरा मिला तो हम खट्टे हैं। अरे गंदे गंदे कमेंट आ रहे हैं, इसको लड़कियां दे रही हैं। जो तुम लोग क्या जानती हो इसके बारे में? मैं देखती हूँ। मेरा हकीकत जानता हूँ। वो कह रही है कि रेनू तुम सुधार जाओ, क्या सुधरे? मतलब हम लड़का से प्यार करके घिना जाते तो तुमको अच्छा लगता ना, इसीलिए तुम ऐसे कर रही हो ना बन। तुमको मेरे से क्या दुश्मनी है? तुमको साथ क्या गद्दारी है? औरत मर चुकी है हम लोगों के अंदर की। हम लोग काम करते हैं अपने परिवार के लिए। मर चुकी है औरत, औरत वाली फीलिंग नहीं है, सिर्फ पैसा कमाने आए करते हैं और गलत नहीं कर सकते। दो मिनट के सुख के लिए, मर्द के सुख के लिए हम अपना जिस्म उघाड़ देंगे, वो कहाँ का सही है? हम मेहनत करके अपना बच्चा पाल रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। इनका दर्द जो अंदर का है ना, हम बयान नहीं कर सकते हैं, हम बता नहीं सकते हैं कि कितने दर्द में है। और आते हैं उतने गंदे गंदे कमेंट करते हैं, ये है इनकी जिंदगी की सच्चाई। अगर आप लोग का विश्वास नहीं होगा ना, तो पूरा हम अपने हस्बैंड के स्टोरी दिखा देंगे कि कई बार वो जेल गए हैं, कई बार उनको छुड़ा के लाए हैं। लेकिन आप टेंशन मत लीजिएगा, हम वो चीज नहीं, हम हकीकत दिखा देंगे। लेकिन केस के हम बेल करवा दिए हैं, तो बिना सबूत के कोई कैसे फंसा देगा? हाँ। हम उनको बेल करवा चुके हैं, अब बढ़िया से वो कमा खा रहे हैं, दूसरा अपना शादी के लिए वो बढ़िया से कमा खा रहे हैं, हमको उससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मेरा बच्चा मेरे पास रहेगा, हम वही मेरा सारा चीज है, मेरा बच्चा मेरा सारा चीज है। आप लोग कुछ भी अब कहिए, हर गरीब की लड़की लोगों को रंडी नजर आती है और गरीब का लड़का चोर, यही सच्चाई है हिंदुस्तान की। आज गरीब घर के बेटी है, तबे तो लोग हमको मजबूरी में एकदम दबावल जा रहा है, दबा रहा है। घर की घराने की जब फिल्म में काम करती है, वो जब प्रदर्शन करती है तो वहाँ उनको अच्छा लगता है। ये बताइए अक्षरा सिंह, हम उन्हीं को कहेंगे बड़ी नाम से, अक्षरा सिंह स्टेज प्रोग्राम करके बाबा के दरबार में चली गई तो वो अच्छी हो गई, और ये 8,000 रुपया लगा के अपनी मेहनत की कमाई टैटू बनाई। मेहनत की कमाई से किसी से हम 1 रुपया खा नहीं है, किसी से लेते नहीं। हमको पता है कि आज हमको कोई 100 रुपया देगा ना तो मेरा जिस्म पहले छुएगा तब देगा, इसलिए हम किसी मर्द से 1 रुपया लेते नहीं। जहाँ तक हम ही किसी के पास शूटिंग करते हैं ना, तो कहते रेनू जी जाइए ना बाद में दे देंगे, अभी तक नहीं देता है। नहीं, कोई थाली में भोजन भी नहीं देने वाला है, एक कप चाय पिलाने वाला जल्दी कोई नहीं मिलता है। नून भात खा के आदमी जी लेता है, चला आता है, काम करता है, समोसे पे काम कर लेता है। समोसे जंगल में दिन भर शूटिंग कर करके समोसा खा कराते थे सर, इतना मजबूरी में हम लोग है। लेकिन कोई दर्द समझने वाला नहीं, हमको पता है जो साड़ी उठा के जो वीडियो बनाता है ना, उसको सब सपोर्ट करता है, बोलता है नाइस भाभी नाइस भाभी। लेकिन हम बढ़िया रास्ता पे जाना चाह रहे हैं ना, तो कोई नहीं जाने दे रहा है। ठीक है बहन, कह रही हो ना कि हम इंटरव्यू में नहीं आएंगे, कोई इंटरव्यू वाला हमारे पास फोन नहीं कर, मना कर देना, कोई नहीं फोन करे, नहीं आएंगे इंटरव्यू में। चल रहा है ना, क्योंकि हम पढ़े लिखल नहीं, हम कहीं दूसरा जगह चल जाते हैं, हम वही चौका बर्तन काम करके किसी के पास रह के काम करके अपना बच्चा पाल लेंगे, ठीक है ना? तुम बोरी नहीं क्या स्टार होने के लिए, हमको नहीं स्टार बनना है भाई, रहने दो, ठीक है ना? नहीं आएंगे इंटरव्यू में, मना कर देना सबके, ठीक है? ज्यादा कहना नहीं चाहेंगे, इनकी सच्चाई सुन ली हम, इसलिए प्लीज आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।